हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में। जैसा कि आप जानते ही हैं प्यारे बच्चों कि मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो था चैप्टर सर्कल, और उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 के कॉन्सेप्ट सॉल्व किए थे, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ाया था, कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि अगर कोई सर्कल जो है सर्कमफेरेंस की फॉर्म में दे रखा है, दो सर्कल हैं उसकी सर्कमफेरेंस का सम किसी तीसरे सर्कल के बराबर है तो कैसे निकालेंगे, दो सर्कल का एरिया किसी तीसरे सर्कल के बराबर है तो उसकी रेडियस का रिलेशन क्या था, और एक हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का, कि किस तरीके से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला बनाया गया है, किस तरीके से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाले जाते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये हमने अभी तक छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ा था, दैट इज सेक्टर ऑफ सर्कल। और इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको स्लोली स्लोली समझाने वाला हूं। देखिए, कोई भी सर्कल है, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसकी सर्कमफेरेंस का कोई भी आप पार्ट ले लीजिए। बच्चों क्या ले लीजिए? पार्ट ले लीजिए। मान लीजिए ये पार्ट हमने चूज कर लिया, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे भैया? सर्कमफेरेंस का जब हम कोई भी पार्ट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। भैया पूरा सर्कल हो गया, मैंने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया यहां से यहां तक, तो ये जनरली इस तरीके से ये जो बनी ये क्या कहलाएगी? ये एक आर्क कहलाएगी। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ था भाई, आर्क का मतलब क्या होता है। अब इस आर्क के जो दो एंड पॉइंट हैं इनको हम सेंटर से मिला देंगे। क्लियर हो गई बात? वेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एन आर्क ज्वाइन विद द सेंटर देन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज फॉर्म्ड। जब भी कोई आर्क के डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब मैं डिस्टिंक्ट क्यों बोल रहा हूं, अलग अलग, भैया एक पॉइंट यहां पे लिया और एक पॉइंट दूसरा भी यहां पे ले लिया, तो यहां से इसको मिलाओगे सेंटर से तो कोई पार्टी नहीं बनेगा, तो इसलिए दोनों पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूं डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो अलग अलग पॉइंट लेके इसको आप किससे मिला दो? सेंटर से मिला दो, तो जो ये हमारा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट तो ये बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी सेक्टर कहलाएगा, और एक इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो भी सेक्टर कहलाएगा, ये भी एक सेक्टर कहलाएगा। जैसे कि एक सेक्टर ये येलो रीजन से दिख रहा है और एक सेक्टर ये ग्रीन रीजन से दिखाई दे रहा है। जो छोटा वाला सेक्टर है बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला येलो कलर का सेक्टर है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। और ये जो एंगल है भाई, आर्क को जब आप सेंटर से मिलाओगे तो एक एंगल बनेगा, इसको थीटा से अभी डिनोट कर लेते हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ द सेक्टर। बड़ा वाला निकालना है तो इसको 360 माइनस थीटा कर लो, क्योंकि पूरा एंगल होता है 360। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर। बट अगर मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना चाहता हूं बच्चों, क्या फाइंड करना चाहता हूं? एरिया, कि भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, और मैं इस आर्क की, जो मैंने ये आर्क ली है, इसकी मैं लंबाई फाइंड करना चाहता हूं कि मैंने कितने लेंथ की आर्क ले रखी है, इस आर्क की लंबाई कितनी होगी। अगर ये आर्क यहां पर 30 डिग्री एंगल बना रही है, इसकी रेडियस मान लो 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर है, तो कैसे निकालेंगे? ये कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा नहीं, आप जानते हो मैं फॉर्मूले का प्रूफ करके दे रहा हूं। तो लेंथ ऑफ आर्क देख रहे हैं, ये एक सर्कल था और इस पे मैंने इतनी आर्क चूज कर रखी है, ये जो दो आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं, और इस लेंथ ऑफ आर्क के बीच की जो लंबाई है वो एल मान ले रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहूंगा, अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस 2πr हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 2πr हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरा सवाल, ये पूरी 2πr जो लंबाई है वो यहां से यहां तक की है? ध्यान से सुनेगा एक एक बच्चा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए, अगर फॉर्मूला भूल भी गए तब भी आपका आंसर निकल आएगा, आई गारंटेड। तो देखो ध्यान से सुनो, ये 2πr 360 एंगल की है, जो 2πr जो है ये पूरी आर की, ये भी तो पूरी आर की बनी, सर्कमफेरेंस कितना डिग्री एंगल है? 360 डिग्री एंगल है। अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं तो एक डिग्री के बीच में कितनी आर्क आएगी भाई? अगर मैं ऐसे 360 लाइनें बना दूं, कितनी लाइनें बना दूं? 360 इस तरीके से, तो एक सेक्टर एक डिग्री का हो जाए। इसलिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 360 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज पूरा एंगल 360 होता है। मैं फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं आपको, रटा नहीं रहा हूं। तो अगर हम पूरी सर्कमफेरेंस 2πr को 360 से डिवाइड कर दें तो एक डिग्री के बीच की आर्क आ जाएगी। मुझे चाहिए 2 डिग्री की, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे चाहिए 3 डिग्री की, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे चाहिए 4 डिग्री की, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट यहां पे जो मुझे आर्क चाहिए वो मुझे चाहिए थीटा डिग्री, कितना भी हो सकता है, तो मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया, 2πr / 360 / थीटा। मगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं,
भाई 2 1 2 और 2 18 180 हो जाएगा। तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क का आज से फॉर्मूला रहेगा बच्चों पाई आर अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये थीटा डिग्री के सेक्टर की जो लेंथ ऑफ आर्क होगी इतनी आर्क, ये आराम से आपको फॉर्मूला निकाल के दे देगा, क्योंकि पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, मैंने 360 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 डिग्री एंगल की आ गई, क्योंकि पूरा एंगल 360 भैया 360 से डिवाइड करोगे 1 डिग्री तो ही आएगा। अब मुझे चाहिए 30 डिग्री की, क्योंकि मेरा सेक्टर का एंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, तो 30 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना, मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा एरिया ऑफ द सर्कल। तो आज से बात याद रखिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एरिया के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से आपने ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूं, देखिए अब कैसे आएगा। भैया एरिया पूरे सर्कल का एरिया बच्चों कितना होता है, सर पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, मुझे सिर्फ एक सेक्टर का चाहिए, तो मैंने वैसे बोला मैंने यहां पे 360 लाइनें बना दी, कितनी लाइनें बना दी 360 लाइनें बना दी, और हर लाइन के बीच में एक डिग्री एंगल हो जाएगा, एक डिग्री तो एंगल होगा जब 360 पूरा एंगल है, एक एक डिग्री में डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो एक डिग्री के सेक्टर का जो भी एक डिग्री का सेक्टर होगा उसका एरिया आ जाएगा, ये मान लो एक डिग्री एंगल है क्योंकि पूरा एंगल 360 था भाई साहब, तो हमने 360 से कर दिया डिवाइड, वहां पे हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी थी इसलिए हमने सर्कमफेरेंस को डिवाइड करा था, यहां पे हमें सेक्टर का एरिया चाहिए इसलिए हम सर्कल के एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, और हमें चाहिए सर थीटा डिग्री का, कितना का चाहिए थीटा, भी थीटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसलिए बात याद रखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ दैट सेक्टर। क्या हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम करेगा जो हमें पढ़ाया गया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है जल्दी बोलो, आधे का आधा सर्कल, अगर हम इतना सर्कल ले लें तो इसका जो सेक्टर एंगल आ रहा है वो क्या 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि हमें पढ़ाया गया कि पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाता है। सेमी सर्कल अगर निकालना है, ये सेमी सर्कल है तो इसका आंसर होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, भाई सर्कल के एरिया का आधा कर दो। हम इसको आपको सेक्टर से निकाल के दिखाएंगे आज कि सेक्टर वाले फॉर्मूले से काम कर रहा है ये या नहीं कर रहा है। तो देखो एक है सर्कल और सर्कल का हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं, तो क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर हुआ बच्चों, जिसका क्वाड्रेंट एंगल होता है मतलब सेक्टर एंगल होता है 90 डिग्री। हम एरिया का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, देखना आंसर वही आएगा, होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 फोर जाए तो 360 होता है, तो देख लो भैया काम कर रहा है फॉर्मूला, आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स ऑल। अगर हमने सेमी सर्कल लिया होता बच्चों तो सेमी सर्कल का पूरा सेक्टर बन जाता है, और पूरा सेक्टर कितना होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 180 टू जा, तो इसका आंसर आ जाता पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, कोई लोड ही नहीं है जो उसमें समझ में ना आए, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल सही बनाया है। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, आपका सेक्टर का आंसर निकल आए। क्लियर हो रही है बात, बताइए बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आगे चलते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेगमेंट का, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें। सेगमेंट क्या है, तो सेक्टर कैसे बन रहा था आपको याद है कि इसकी सर्कमफेरेंस पे कोई दो पार्ट ले लिया और उसको सेंटर से मिला दिया, तब बनता था सेक्टर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस पे दो पार्ट ले लेंगे जैसे कि आपको ए और बी दिखाई दे रहे हैं, अब इसको सेंटर पे नहीं मिलाएंगे, इनको आपस में मिला लेंगे। तो ये जो लाइन आपस में मिलती है इसको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा कॉर्ड बोलते हैं इसको, डायमीटर जो सेंटर से जाती है वो भी लॉन्गेस्ट को है तो वो भी कॉर्ड ही ना। तो व्हेन द टू पार्ट, व्हेन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जॉइंस, देन अ कॉर्ड इज फॉर्मड एंड कॉर्ड इज डिवाइडेड द गिवन सर्कल इनटू टू पार्ट्स, दीज पार्ट आर नोन एज सेगमेंट। तो जो हमारी डायमीटर होती है वो हमारे सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करती है, भाई एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया। लेकिन अगर वो डायमीटर नहीं है, डायमीटर से छोटी कॉर्ड है, तो एक सेगमेंट ये बनेगी, इसको बोलेंगे बच्चों माइनर कॉर्ड, माइनर सेगमेंट, जैसा कि ग्रीन एरिया से आपको दिखाई दे रही है, और जो व्हाइट एरिया में है वो है आपकी मेजर सेगमेंट। तो ये है सेगमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भैया इस सर्कल का सेंटर है ये, तो इस सेगमेंट का एरिया बताओ, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, तो उसमें भी सेक्टर की हेल्प ली जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, देखो ये जो हमारी है तो आर्क ही, वैसे तो कॉर्ड है, लेकिन अगर हम इस तरीके से चलें
ये आर्क बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सेक्टर, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों? सर ये पूरा तो सेक्टर बन जाएगा। हाँ भाई सेक्टर का थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, और इस एंगल को ये आपको एंगल गिवन दिया जाएगा थीटा। समझ आ रही है ये बात? हो गया ओ। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेगमेंट पहले करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकाल लो, यानी कि जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो वाला जो सेक्टर है वो निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब एओबी की दिक्कत है, इस एरिया को कैसे निकाला जाएगा वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो अगर हम इसको, ये वाला जो ट्राइंगल है ये जो आपको दिख रहा है, इसको डार्क कर देता हूं मैं, ये एओबी, पूरे सेक्टर में से अगर एओबी को हटा दें तो ग्रीन एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही तरीका है कि हम सेगमेंट का एरिया ऐसा निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल उसके बीच में फंस रहा है, जो भी ट्राइंगल उसके बीच में आ रहा है। ट्राइंगल का एरिया आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी बता दिया जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन टू थीटा। लेकिन कहोगे सर ये कैसे आया, तो इसका पूरा प्रूफ दिया जाएगा। अदरवाइज ये ट्राइंगल इतना सिंपल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, तो इक्वालेटरल का कॉन्सेप्ट लगा के या हाफ बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई मुश्किल एंगल आएगा तो हमारे एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से डायरेक्ट हम आंसर निकाल के आपको दिखाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप कंक्लूजन सुन लीजिए पूरे, जो इतनी ये बात हमारी हुई इसका कंक्लूजन बच्चा लोग ये आया, प्यारे बच्चों इतनी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरा सेक्टर ले लीजिए, जो कॉर्ड आपने लिए उस कॉर्ड को आप सेंटर से मिलाइए तो एक एंगल आपको मिल जाएगा थीटा, ये वाला जो थीटा है, तो उससे पूरा सेक्टर निकाल लीजिए, सेक्टर में से वो जो ट्राइंगल है ऊपर वाला वो माइनस करा दीजिए। यानी कि सेगमेंट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बनाया गया, माइनस सेगमेंट होगी। सर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल का निकाल लो, पूरे सर्कल में से माइनस सेगमेंट का माइनस करा दो, पूरे सर्कल में से जब माइनस सेगमेंट हटा दोगे यानी कि ग्रीन वाला तो ये व्हाइट वाला ही तो बचेगा। ऐसे ही बच्चे पूछते हैं कि सर मेजर सेक्टर का कैसे निकालें, तो बेटा माइनस सेक्टर का निकालो, पूरे सर्कल से माइनस करा दो इसको, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन ही तो बचेगा मेजर सेक्टर का, तो वो उस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यही मैं आपको बता रहा था, मैंने दिखाई दिया पूरा, ये जो आपको दिख रहा है ना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को माइनस करा दें पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है इसमें से इसको माइनस करा दें तो ये सेगमेंट रह जाएगी सिर्फ, ये वाली जो सेगमेंट है ये हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है घड़ी वाला, यानी कि क्लॉक का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी बच्चों को दिक्कत आती है, क्लॉक के कॉन्सेप्ट में भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो घड़ी का एंगल नहीं निकाल पाते। हम जब हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने इस पे डायरेक्ट ट्रिक बना दी बच्चों, इसलिए हम आपको ये अलग से टॉपिक लेकर आए हैं अपने पीपीटी में, और अलग से आपको पढ़ाएंगे क्लॉक का टॉपिक, एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय अ क्लॉक। वो कहेगा कि भैया मिनट हैंड है, मिनट हैंड अभी मान लो 12 पे थी, तो मिनट हैंड मान लो 25 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट करेगी और उसका एरिया बताओ। 25 मिनट में भाई यहां पे से यहां तक आ जाएगी 25 मिनट, क्योंकि दो नंबर के बीच में 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, 25 मिनट में ये कोई एंगल बनेगा, कैसे निकालोगे एंगल? तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा इसको, एंगल स्वेप्ट बाय, सिर्फ मिनट हैंड की बात चलेगी बस यहां पर, मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमती है, तो 60 मिनट में ये 12 से घूम के वापस 12 पे आ जाती है, तो घूमती है राउंड, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, एक मिनट में कितना घूमेगी फिर, वन मिनट रोटेशन। सर 360 को 60 से डिवाइड कर दो, ऑब्वियस सी बात है, तो आंसर आया 6 डिग्री, याद रखना कितना डिग्री, 6 डिग्री आंसर आया। इस बात को लिख के नोट करके याद कर लो, ये हमने पहले पढ़ा दिया, बाद में नहीं बताएंगे, याद कर लो इस बात, एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री रोटेट करती है। अब सवाल सुनो, एक हल्का सा सवाल देख लो कैसा आएगा, समझना है ना, कि 2:15 हो रहे थे, थोड़ी देर के बाद 2:22 होने लगे, तो पूछेगा और मिनट हैंड की लंबाई दे देगा, वो रेडियस का काम करेगी, मान लो मिनट हैंड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो पहले तो हम थीटा निकाले, कितने मिनट हो रहे हैं 15 से 22 पे, 7 मिनट हो रहे हैं, तो एक मिनट का एंगल 6 डिग्री है, तो 7 मिनट का कितना हो जाएगा, 7/6 = 42 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर पाई आर स्क्वायर 360 * थीटा, थीटा की वैल्यू 42 आ चुकी है, रेडियस जो इस हैंड की लंबाई होगी ना, जो सुई की लंबाई होगी, वो रेडियस का काम करेगी, आर की जगह रेडियस रख दो, पाई की वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो।
तो बस आपको एक मिनट का एंगल पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितना घूमती है, याद रखो 6 डिग्री, 6 डिग्री 16। तो 15 मिनट में कैसे होते, 15 मिनट में कहां पे होती है सुइयां, मान लो ये 6 पे थी, ये 3 पे थी, 15 मिनट का टाइम है ना, ये 15 मिनट में देख लो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो। और 15 सिक्जा, एक मिनट में मैंने 6 डिग्री बताया था, तो 15 सिक्जा 90 तो आता है। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है क्लॉक का। एक मिनट का रोटेशन याद कर लो 6 डिग्री होता है, एक मिनट का रोटेशन 6 डिग्री होता है, एक मिनट का रोटेशन 6 डिग्री होता है। कोई सवाल आपसे ऐसा नहीं है फिर जो ना हो। जितने भी आपका टाइम गैप निकालो कि जितने मिनट दे रखे हैं उसकी 6 से मल्टीप्लाई करा देना, ये शॉर्ट रहेगा, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब करेंगे क्वेश्चन बच्चों, ये था इतना कॉन्सेप्ट। क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने? लेंथ ऑफ द आर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एरिया ऑफ द सेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर दोनों, एरिया ऑफ द सेगमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय अ क्लॉक, क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एक्सरसाइज 12.2 है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें और कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के कर लीजिए। कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर, सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर, और जो सेक्टर बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ऐसे करके सेक्टर बनता होगा, ये 60 डिग्री हो गया। मैं पूरा सर्कल क्यों बनाऊं, पूरा सर्कल बनाऊंगा ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। एरिया ऑफ द सेक्टर मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, रेडियस की वैल्यू 6 × 6 हो गई, और 360 थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 6 × 36 हो जाएगा, 1 6 से 1 6 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 6 × 2 = 12, 12 × 2 कैरी 1, 6 × 12 = 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है ऐसे ही छोड़ा, हो सकता है मैंने दो प्लेस डेसिमल तक आप आंसर निकाल लेंगे, मोस्टली फ्रैक्शन, क्योंकि आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, पेपर एमसीक्यू से ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आंसर डेसिमल में निकालना है या फ्रैक्शन में छोड़ना है, या हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आता हो। 7 × 7, 7 × 8 = 56, 6/7 कैसे भी आ सकता है आंसर, वो आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस, अब बेटा सर्कमफेरेंस दी है और आपसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, तो सर्कमफेरेंस बराबर होता है सर 2πr, सर्कमफेरेंस की वैल्यू सर हमने रख दी 22, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, सर रेडियस निकालना पहले, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस आ गई, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में 2 जाएगा डिवाइड में, 7/2 बोल दो या 3.5 बोल दो। क्वाड्रेंट का पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, तो या तो हमने डायरेक्टली बता दिया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, तो 1/4 ही तो आता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर लो, क्वाड्रेंट का मतलब आधे से आधा, अभी दिखाया था ना, कोई सच्चाई भाई सेक्टर वाइज फॉर्मूला लगा लो या डायरेक्ट लगा लो, अपॉन में 4 ही आना है कैंसिल आउट होने के बाद। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 × 3.5, अपॉन में 4 आ जाएगा, 7/5 = 35 होता है लेकिन 0.5 रहेगा, 4 को इससे करा दो, 11 सा कर दो, 2 सा कर दो, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में कर लेंगे, 11/5 = 55, तो ये हो गया 5.5, ये बाद में करते हैं इसकी, पहले 11 को रहने दो, 0.5 की 3.5 से करते हैं पहले, तो 0.5 की 3.5 से करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 × 5 कैरी 2, 5 × 15 = 17, आंसर आया, दो के बाद लगेगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कर दो 5.5, 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.75, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर जो भी आए वो आप निकाल लीजिए, या फ्रैक्शन में निकालिए आपकी मर्जी, तो कैलकुलेशन तो करोगे ना अपने आप, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, क्यों टाइप बेस करें कौन सा इसकी कैलकुलेशन करते। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए, ये आया क्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा था, बहुत आराम से हलवे की तरह टिंग टोंग करके क्वेश्चन कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। The length of a minute hand of a clock 14 cm, मान लो ये घड़ी है उसकी मिनट हैंड यानी कि जो मिनट वाली हैंड है वो 14 cm। Find the area swept by the minute hand in 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगी भैया, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक मिनट का एंगल सर 6 डिग्री आपने पढ़ा चुके हैं आप हमें कुछ मत पढ़ाइए, ये सवाल हमें मत कराइए, हम कर लेंगे, 5 6 = 30 डिग्री एंगल आ गया 30 डिग्री, फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा की जगह रख दो 30 और आर की जगह रख दो 14 सेंटीमीटर, बिकॉज बोलिए क्योंकि जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो काम करेगी रेडियस का, दैट्स ऑल, हो गया सवाल खत्म, आंसर निकालिए आप खुद। अब आया आपका क्वेश्चन
सेगमेंट वाला क्वेश्चन, सेगमेंट वाला क्वेश्चन, इसमें आएगा मजा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, भैया रेडियस है 10 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग फिगर आपकी ये दे रखी, ये रेडियस हो गई यहां से लेकर यहां तक, जब ये 10 है तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, देख लो भैया कोई लोड नहीं है। राइट एंगल बन रहा है सेंटर पे यानी कि 90 डिग्री, तो हाफ बेस इनटू हाइट करके आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, पाई की वैल्यू भैया 3.14 लगानी, तो पहले हम निकालेंगे साहब एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 10 इंटू 10 अपॉन 360, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 94 जा, ये दो जीरो हटा देता हूं, दो के बाद डेसिमल इसको हटा देता हूं, तो 314 अपॉन 4, 4 से उड़ा दो, 47 जा 28, 31 है, 3 बचे, 48 जा 32, 2 बचा डेसिमल लगा के 0, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, धन 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 आंसर आ गया। सेक्टर का आया बच्चों ये, सेक्टर में से ये ट्राइंगल उड़ाना है, बताया था भैया ये ट्राइंगल उड़ा दोगे तो सेगमेंट ही तो बचेगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, अगर ऐसा एंगल है जो आपको गिवेन है और जिसपे आप निकाल सकते हो, हाफ बे साइड लगा लो भैया, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसे करके बनाओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो एक बेस का काम करेगा और एक हाइट का काम करेगा, समझ आ गई बात हमारी, तो 90 डिग्री वाले पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हटा देते हैं, 90 डिग्री पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की जगह भी 10 और हाइट की जगह भी 10, 2 5 10, ठीक होगी बात। और 5 10 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेगमेंट का एरिया निकालो, एरिया ऑफ वो भी माइनर सेगमेंट का निकलने जा रहा है, माइनर सेगमेंट याद रखना, कौन सी सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, 78.5 - 50, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालो, पूरा सर्कल का निकाल लो, सर्कल में से ये माइनस करा देना, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा, वो काम आपका है। आधा क्वेश्चन हमने पहला पार्ट कर दिया है, सेगमेंट का अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे निकालना है, कैसे ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है, कैसे आपका सेक्टर निकाला जाता है, फिर दोनों को माइनस करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक आर्क है वो सबटेंड एंगल कर रही है 60 डिग्री का, आर्क की लेंथ बतानी है, एरिया ऑफ द सेक्टर बताना है और एरिया ऑफ द सेगमेंट, तीनों चीजें पूछ रखती हैं। एक करस्पॉन्डिंग अगर हम फिगर जनरेट करें, इस तरीके से फिगर हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, रेडियस 21 सेंटीमीटर हो ही जाएगी, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा और ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, ये वाली जो होती है सेगमेंट होती है, तीनों चीजें पूछी हुई है। सर 60 डिग्री के एंगल आ गया, अब ट्राइंगल कैसे निकालोगे, तीसरा पार्ट कैसे करोगे, दिखाते हैं भैया, तब दिखाते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है पाई आर अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, वैसे 2 पाई आर अपॉन 360 था ना, 2 से 360 कैंसिल हो गया था, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 तब रखवाना ना जब रेडियस 7 के मल्टीपल में दे रखी हो, 7 से उड़ जाएगा ना वो, अदरवाइज अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो पाई की वैल्यू 3.14 रखवाओ, थोड़ी सी चालाकी दिखाओ, रेडियस की वैल्यू 21 हो गई, थीटा की वैल्यू 60 हो गई, डिवाइड में था 180, 7 3 21 हो गया, 63 80 हो गया, 3 से ये 3 भी उड़ गया, आंसर आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ होगा, सॉरी लेंथ है तो 22 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, बात खत्म, ठीक है कोई बात। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, सेक्टर का फॉर्मूला बोलो जल्दी बोलो, सेक्टर का फॉर्मूला बोलो सर, क्या होता है, सर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर या पाई स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, कुछ भी बोल लो, थीटा की वैल्यू बोलो सर 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7, रेडियस सर 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, 7 3 21 अब 360, 6 6 36 सर 3 2 6 सर 2 11 जा, आंसर आया 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, मल्टीप्लाई कर लो 11 1 11 का 1 कैरी 1 11 2 22 231 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपका सेक्टर आ गया सर। सेगमेंट कैसे निकलेगी? सर सेगमेंट तब निकलेगी जब आप ये वाला ट्राइंगल माइनस कराओगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो पहले। हाफ बेस इंटू हाइट नहीं चलेगा। हाफ बेस इंटू हाइट तब चलता है जब 90 डिग्री पे होता है, और यहां पे तो आपको मालूम ही नहीं है। एक सवाल आपसे बस पूछेंगे यहां पर, यही इंपॉर्टेंट। बस सेगमेंट में ही बच्चा फंसता है और किसी में नहीं फंसेगा। सेगमेंट में फंसेगा बच्चा। एक बात बताओ, थोड़ा सा अलग से बना के देखो, बड़ा सा सर्कल। चलो देखो, ये एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। क्या आप जानते हैं दोनों साइडें बराबर हैं? क्यों सर बराबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल बराबर होंगी। क्या आप जानते हैं एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल? मेरी बात को सुना, अगर दो साइडें बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये वाले ये 60 था, बचा कितना बाकी? 180 से 60 को माइनस कराओ, 120 बचा। 120 में ये बराबर बराबर बांट दो, तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो पता ये चला, क्या पता चला? ध्यान से इसको हटा रहा हूं। अगर किसी ट्राइंगल में कोई आर्क उसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वहां से कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो वो बाकी के दो एंगल भी 60 डिग्री हो जाएंगे और वो इक्वालेटरल ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? इक्वालेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्वालेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अपन के पास डायरेक्ट होता है, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कौन हो जाएगी? रेडियस। ये सब रेडियस है, ये भैया पता होना चाहिए। तो अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी? 21। 21 का स्क्वायर, अंडर रूट 3/4, 21 का स्क्वायर होता है 441। सही होगी बात? एलसीएम एलसीएम ले लो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा? माइनर सेगमेंट जो भी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो हो जाएगा 231 माइनस 441 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। एनसीईआरटी में ऐसे ही छोड़ दिया उसने, आंसर को भी ऐसे ही छोड़ दिया, सॉल्व नहीं करा। अगर वो अंडर रूट 3 की वैल्यू देते तो हम बेशक उस सवाल में रखवाते और इसका आंसर निकालते, लेकिन उन्होंने कोई वैल्यू हमें यहां पर दी नहीं है जो हम यहां पर रखवाएं और उसको सॉल्व करें, तो आराम से हो जाएगा, इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक हो गई बात? अब यहां पर दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एंगल भी दे रखा है, एरिया बताना है माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का। अब यहां पर अंडर रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि आपको और पाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको डेसिमल में निकालना है और ये क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोली है, एंगल 120 डिग्री दे रखा है, ये समझाना पड़ेगा भैया। एंगल 120 आ गया फिर क्या करोगे? एंगल 120 आ गया तो क्या करोगे? ट्राइंगल का एरिया निकालने में दिक्कत आ जाएगी। एक मैं सिर्फ ट्राइंगल का ही बता रहा हूं कैसे करोगे। ये एंगल कितना हो गया? 120। ऐसा करते हैं, उल्टा करके बनाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। बस ट्राइंगल का एरिया सुन लो, सेक्टर का आप निकाल लोगे, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कराना और ये एंगल 120 है और ये साइड इसके बराबर। समझ आ रही है इतनी बात? इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब 120 डिग्री एंगल है, सॉल्व कैसे करें? अब बेस इनटू हाइट से तो आएगा नहीं, रेडियस है 12 और ये भी हो गई 12। एरिया कैसे निकालें? तीसरी साइड भी नहीं है, जो हेरोंस फॉर्मूला लगा के निकाल लें। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ध्यान देना क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आती है और ये इसको बीच में से डिवाइड करती है, यानी कि जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसकी भी परपेंडिकुलर आए तो वो मीडियन भी हो, मतलब सामने वाली साइड को डिवाइड करे, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इसका एल्टीट्यूड होता है, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर होता है, वो इसका मीडियन भी होता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और ये एंगल तो पहले से ही बराबर थे, इस वजह से ऐसा होता है। तो हमने वहां पे क्या डाल लिया? एक एल्टीट्यूड डाल लिया जो उसका मीडियन भी है। तो ये जो आपका एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी बढ़िया वाली। ये जो 120 डिग्री एंगल था ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इतना बचेगा 60 डिग्री और इतना बचेगा 60 डिग्री। इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है ना वो लाइन, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब किसी भी एक ट्राइंगल में चले जाओ ना, तो आपको ये मालूम है, आपको एंगल मालूम है और आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, साइन थीटा लगा दो बस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है, हमने ये परपेंडिकुलर डाली थी OM, 60 डिग्री थीटा हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी होगी उम्मीद कर रहा हूं, बने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हिलेगा नहीं है। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से सुन लो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 120 डिग्री आ गया तो क्या करोगे? 90 डिग्री वाले पे तो हाफ बेस हाइट कर लोगे, 60 डिग्री वाले पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लोगे। 120 डिग्री आ गया तो क्या करोगे?
एक वहां से एल्टीट्यूड डालोगे और एक किसी भी ट्राइंगल में चले जाओ, इस वाले में चले जाओ, इस वाले में चले जाओ, यानी कि इन ट्राइंगल ए ओ एम में हम गए, तो ए ओ एम में साइन थीटा यानी कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हम एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ये वाला है, तो ओ ए ओ एम हो गया बेस, और जो दूसरा बच्चा ए एम वो हो गया परपेंडिकुलर, ए एम हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए जो कि है 12, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, तो ये हो गया ए एम, एक सेकेंड कितना हो गया ए एम 2 6 12, यानी कि ए एम की वैल्यू हो गई 6√3, अभी रूट थ्री की वैल्यू मत कराओ, और जो ए बी होगा वो इसका डबल होगा, तो ए बी बराबर होगा 2 AM, ए बी पूरा डबल होगा ए एम का, तो 6 2 12 यानी कि ये पूरा 12√3 आ जाएगा, ए बी की वैल्यू पूरी 12√3 आ गई। अब हमें चाहिए ओ एम, अब लगा दो कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 बेस हो जाएगा आपका OM और हाइपोटेन्यूज आपका वही 12 दे रखा है, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चा लोग 1/2 OM अपॉन 12, OM की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपको 6। अब इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ बेस, बेस पूरा AB ले लो और AB की वैल्यू कितनी आई है 12√3, और हाइट OM ले लो और OM की वैल्यू आई है 6, 2 6 12 6 6 36√3, अभी भी √3 की वैल्यू मत रखवाओ, लास्ट में रखवाएंगे बिल्कुल, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेक्टर का निकाल लो और सेक्टर से इसको कर देंगे माइनस, सेक्टर का निकाल लो और सेक्टर से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। तो यहां पर जगह कम पड़ रही है, आगे वाले के पोर्शन में कर लेते हैं, बाद में रेस कर देंगे। सो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा, यहां निकाल देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू 120 है अपॉन 360 है, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 21 है, 21 × 21 आई थिंक यही है, नहीं 12 था बस, 21 लिख दिया उल्टा है, 12 × 12 जीरो से जीरो होगा, 12 × 3 = 36 होता है, 3 × 4 = 12 हो जाएगा 3.14 और 12 × 4 = 48, 3.14 की 48 से मल्टीप्लाई कराओ, खुद ही आंसर निकालो, हमको नहीं मालूम। इस एरिया ऑफ द सेक्टर में से इस ट्राइंगल की वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, रूट थ्री की वैल्यू रखवा दीजिए यहां पर 36 1.73 जो भी आंसर आए, और इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करा दीजिए माइनस करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वो सवाल है जब एंगल 120 डिग्री हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी आपको पड़ेगी और आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा एल्टीट्यूड वाला, तब ये क्वेश्चन हिलेगा आपसे जाके, ऐसे नहीं हिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक हॉर्स है जो बांध दिया गया पैग, पैग मतलब एक लकड़ी होती है मोटी सी जिससे किसी जानवर को बांध देते हैं, इस खेत के इस कोने पे बांध दिया है, 2 स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, और जो रस्सी है वो अच्छा स्क्वायर फील्ड की साइड 15 मीटर है और जिस रस्सी से हमें बांधा है वो 5 मीटर लंबी रस्सी, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, तो ये रस्सी है ये घोड़ा छोटा सा दिख भी रहा है, तो घोड़ा ऐसे घूम सकता है उस रस्सी के सहारे, पूरा सर्कल बना सकता है भैया, रस्सी से पूरा सर्कल बन जाएगा इस करी अगर यहाँ पे फिक्स कर दें, लेकिन वो घास कितने एरिया में खा सकता है, सिर्फ इतने एरिया में, ये कौन सा एरिया बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल होता है ये, तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए, क्योंकि खेत में सिर्फ क्वाड्रेंट पार्टी तो आ रहा है आधे का आधा सर्कल का, तो उतना एरिया पता चल जाएगा भैया, इतनी घास वो घोड़ा खा सकता है इतने एरिया की, आप निकालेंगे खुद। उसके बाद कह रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कितना एरिया बढ़ जाएगा अगर ये रोप 5 की जगह 10 हो जाए, तो रेडियस 10 कर दो तो इतना एरिया आ जाएगा, 10 करके आंसर निकाल लो, 10 में से मतलब पुराने वाले में को माइनस करा देना नए वाले से, रस्सी 10 मीटर करोगे 10 मीटर का आंसर आएगा, वो कह रहा है बढ़ेगा कितना, ये तो बढ़ेगा जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, ये कैसे निकालोगे, पूरे में से छोटे वाले को पुराने वाले आंसर को माइनस करा देना, तो ये आ जाएगा। तो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं आपका लेक्चर, उम्मीद कर देंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सेक्टर के सेगमेंट के और क्लॉक के वो सब बन गए होंगे, कुछ इसमें आगे और मुश्किल क्वेश्चन है वो सेकेंड लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जिसमें थोड़े से और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको आया होगा समझ में, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।